दिनेश, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि एक यूपी बीएड की काउंसलिंग के बारे में स्पेशल वीडियोस बनाए कि हमारी जो काउंसलिंग 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है उस काउंसलिंग में हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और हमें किन किन चीजों की आवश्यकता काउंसलिंग करवाने में पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि आपकी जो बीएड की काउंसलिंग 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, आपको काउंसलिंग करवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किन किन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको अदर लोगों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना अदर वीडियोस देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, जो भी बीएड की अपडेट्स रहती है सबसे पहले आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपकी बीएड की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन सी चीजें आपकी काउंसलिंग में लगेंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना चाहिए। उसके बाद उसका पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड अगर आप लोग भूल गए हैं, ठीक है, खो गया है, तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड अपना बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपके पास कौन सा होना चाहिए? जो आप लोग एंट्रेंस का फॉर्म भरते समय उसमें मोबाइल नंबर डाले थे, वही मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दो मोबाइल नंबर आप लोग डाले होंगे, एक अल्टरनेटिव होगा, एक और मोबाइल नंबर होगा, तो दोनों में से कोई भी आपके पास नंबर होगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। किसका होना चाहिए? खुद का होना चाहिए या तो मम्मी पापा का हो, तब भी चल जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर इसलिए मांगा जाता है क्योंकि जो काउंसलिंग की फीस होती है 5750, ठीक है, इसमें जो 5000 कॉलेज की एडवांस फीस होती है और 750 जो होती है काउंसलिंग की फीस होती है, ठीक है। जैसे आप लोग कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, जितने भी कॉलेज सिलेक्ट करते हैं उसमें से आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी जो फीस है 5000 वापस आ जाती है और 750 जो होती है वो काउंसलिंग की फीस होती है, वो रिफंड नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप लोग कॉलेज सिलेक्ट किए उसमें से कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, आगे आप लोग कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं कोई भी, यानी कि पूल काउंसलिंग में आप लोग नहीं करवाना चाहते हैं, तो आपकी 5000 फीस आपके उसी बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो इसीलिए बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए फाइनल ईयर की मार्कशीट, ठीक है। जो लोग फाइनल ईयर के कैंडिडेट थे उनकी फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। इंटरनेट पे आ गई होगी, जिन लोगों की आ गई है तो वो लोग अपनी प्रिंट आउट निकलवा की, मार्कशीट की प्रिंट आउट निकलवा के, आप लोग जहां से ग्रेजुएशन किए हैं वहां जाके आप लोग प्रिंसिपल सर की सिग्नेचर करवाएं और उस कॉलेज की मोहर लगवाएं, ठीक है, तभी आपकी उसमें मार्कशीट अपलोड होगी। अपलोड तो हो जाएगी वैसे भी, ठीक है, पर आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है, बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आप लोग मोहर और सिग्नेचर लगवाना ना भूलिएगा। और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है तो उनको मैंने बताया है कि कैसे उनकी काउंसलिंग होगी, अगर आप लोग वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। उसके बाद ये फीस तो आपको पता ही है, ठीक है, 5750 आपकी फीस होगी काउंसलिंग की, ठीक है, इसमें से 5000 आपकी कॉलेज की एडवांस फीस होती है एंड 750 आपकी जो होती है काउंसलिंग की फीस होती है, ठीक है। 5000 आपकी फीस रिफंड हो जाती है, यानी कि आपको जैसे कॉलेज नहीं मिलता है तो रिफंड हो जाती है, और 750 आपकी रिफंड नहीं होती, ठीक है, आपको कॉलेज जैसे मिल जाता है तो 5000 उसी में ऐड हो जाता है, फिर आपको बाद में 46000 फीस जमा करना होता है तभी आपकी फाइनल सीट कन्फर्म होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताया हूं कि काउंसलिंग में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगली वीडियो जो मेरी होगी वो होगी डॉक्यूमेंट से ही रिलेटेड, यानी कि आपका जो एडमिशन होगा कॉलेज में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल सके उसका नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न